नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो हम करेंगे ऑल वीवो फ़ोन से फ़ोन एक्सेप्शन का एरर को फिक्स। ऑल वीवो के फ़ोन से फ़ोन एक्सेप्शन के एरर को फिक्स करेंगे आज हम। तो ये देख सकते हैं, आज हमारे पास ये फ़ोन आया हुआ है वीवो B15 Pro। इसमें क्या देख सकते हैं, ऊपर एक येलो लाइन बन के आ रही है और लिख के आ रहा है फ़ोन एक्सेप्शन, और ये लगातार ब्लिंक होती जा रही है। इसको रिमूव करने के लिए हमने फ़ोन को हार्ड रीसेट करके भी देख लिया, लेकिन ये जब भी रिमूव नहीं हुई तब भी ये सेम ही आ रही फ़ोन को हार्ड रीसेट करने के बाद भी। तो आज हम इसको फिक्स करेंगे, इसकी मदद से आप किसी भी वीवो के फ़ोन से इस एरर को फिक्स कर सकते हैं। फिक्स करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, एप्लीकेशन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन का नाम है टूल ऑल इन वन। इसको पीसी में इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद इसको चलिए ओपन करते हैं। ये कुछ इस प्रकार का ओपन होगा, टूल ऑल इन वन। इसके बाद इसमें फ़ोन को कनेक्ट करना होता है। फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए फ़ोन में कुछ सेटिंग करनी पड़ती है, डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होगा। चलिए फ़ोन को कनेक्ट करते हैं। फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पे जाना है सिस्टम मैनेजमेंट। सिस्टम मैनेजमेंट में अबाउट फ़ोन। अबाउट फ़ोन में आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं सॉफ्टवेयर वर्जन पे 5-6 बार लगातार क्लिक करना है और डेवलपर मोड को ऑन कर लेना है। डेवलपर मोड को ऑन करने के बाद आपको बैक करना है और यहाँ सिस्टम मैनेजमेंट में आना है और देख सकते हैं एक नया ऑप्शन आ जाएगा डेवलपर ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसको तो सबसे पहले ऑन कर देना है। यहाँ पे USB डिबगिंग को इसको कर देना है अलाउ, और आपको डाटा केबल लगा लेनी है। देख सकते हैं हमने डाटा केबल लगा रखी है। चलिए देख सकते हैं पीसी की स्क्रीन पे एक ऑप्शन आ रहा है चॉइस आर डिवाइस, तो यहाँ पे हम अपना फ़ोन सेलेक्ट कर लेते हैं। फ़ोन को सेलेक्ट करने के सबसे ऊपर आ रहा है क्योंकि हमारा फ़ोन इसके अंदर है नहीं है। इसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ पे डिवाइस आईडी में हमारा यहाँ पे एक फ़ोन आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है APK अनइंस्टॉलर पर। अब योर फ़ोन इज़ नॉट ADB और फास्ट बूट मोड। एक बार फिर से डाटा केबल निकाल को लगा लेते हैं। देख सकते हैं इस बार हमारा डिवाइस आ चुका है। इसके बाद करना है आपको APK अनइंस्टॉलर पर क्लिक। APK अनइंस्टॉल करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे सारी लिस्ट आ चुकी है। यहाँ पे आपको सर्च करना है डेमोन सर्विसेज, ध्यान से देखना है। यहाँ पे देख सकते हैं वो एरर अभी भी आ रहा है फ़ोन एक्सेप्शन का। इसके बाद यहाँ पर सर्च करेंगे हम डेमोन सर्विसेज। देख सकते हैं हमें यहाँ पे मिल चुका है com.vivo.demonservices। तो इस पर ऊपर इस पर टिक लगाना है। इस पर टिक लगाने के बाद आपको चलिए एक और बार दिखा देते हैं फ़ोन की स्क्रीन को। तो इसको फिक्स करेंगे। इसको फिक्स करने के लिए इस पर टिक लगाना है डेमोन सर्विस पे, और इसको कर देना अनइंस्टॉल सेलेक्टेड ऐप। 5 से 10 सेकंड के अंदर हमारा एरर फिक्स हो जाएगा। इसके बाद आप कोई की दबा देनी है, और देख सकते हैं ये डन हो चुका है। डन होने के बाद फ़ोन की स्क्रीन को देखते हैं और देख सकते हैं गाइस हमारे फ़ोन से एरर हट चुका है, इसमें किसी भी प्रकार का एरर नहीं आ रहा।
अगर आपके मन में ऐसा कोई सवाल हो जैसे कि रिस्टार्ट करने के बाद दोबारा आ सकता है, तो चलिए आपको रिस्टार्ट करके दिखाते हैं फ़ोन को। देख सकते हैं हमारा फ़ोन रिस्टार्ट हो चुका है और इसमें कोई एरर नहीं आ रहा। इसकी मदद से आप किसी भी वीवो के फ़ोन से फ़ोन एक्सेप्शन का एरर को फिक्स कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।